ओम शांति। हम सभी के पास है आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति। हम सभी आत्माएं जब इस धरा पर आए तो संपूर्ण थे, शक्तियों में संपूर्ण, सर्व खजानों में संपूर्ण, पवित्रता में संपूर्ण, सर्व गुणों में संपूर्ण। धीरे धीरे हमने अपनी शक्तियों को यूज किया, फिर खोया। अब आत्मिक शक्ति बहुत कम हो गई है। जब आत्मा संपूर्ण थी, इन सभी गुणों की स्वरूप थी, तो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। संकल्प से ही सारे काम होते थे। संकल्प हुआ हवा चले, हवा चलने लगती थी। संकल्प हुआ थोड़ी सी बारिश हो, थोड़ी सी बारिश हो जाती थी। अब पुनः संकल्प शक्ति को, आत्मिक शक्ति को संपन्न करना है योग बल से। हमारी आत्मिक शक्तियां निरंतर बढ़ती रहती हैं। मन की शक्ति बढ़ती है और विवेक शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि में सद्विवेक बढ़ता है, संपूर्ण ज्ञान बढ़ता है, पावर ऑफ प्योरिटी बढ़ती है। ये है आत्मिक शक्ति। दूसरा परमात्म शक्तियां, ये सब हमारे साथ हैं। स्वयं भगवान भी हमारे साथ है, उसकी शक्तियां भी हमारे साथ है, उसकी दुआएं भी हमारे साथ हैं और उनके वरदान भी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत प्यार भी हमारे साथ है। परमात्म शक्तियां हमारे साथ और आत्मिक शक्ति भी बहुत भरपूर। अगर हम इस नशे और खुशी में रहें कि मेरा तो एक बाबा, बस एक बल एक भरोसे जिए, मेरा बाबा, इस फीलिंग में बहुत अच्छी तरह से स्थित हो जाएं कि जो भगवान है वो मेरा है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है, जो दुख हरता सुख करता है वो तो मेरा है। इस अधिकार की फीलिंग में हम आ जाएं, तो हम देखते आए हैं कि हमारे प्यार में स्वयं भगवान भी खींच कर इस धरा पर आ जाते हैं। वो निराकार से साकार हो जाते हैं, वो अपना सब कुछ हम पे समर्पित करने लगते हैं, वो हम पे कुर्बान हो जाते हैं। तो हमारे पास ये शक्तियां हैं कि हम निराकार को भी साकार में ले आते हैं। इसको शक्तियां कहें या प्यार का अधिकार कहें। अब हम सोच लें, जब विज्ञान की शक्ति, साइंस की शक्ति इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकती है, तो क्या परमात्म शक्ति और आत्मिक शक्तियां बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकती? तो हम अपनी सभी समस्याओं को और परिस्थितियों को हल करने के लिए इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करें। जैसे विज्ञान के साधनों से गर्मी को सर्दी में, सर्दी को गर्मी में बदला जा सकता है, वैसे ही आत्मिक शक्ति के द्वारा, उसकी संकल्प शक्ति के द्वारा हम समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। तो स्मृति ले आए, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रचयिता हूँ, रचना पर मेरा अधिकार है। रचयिता कभी अपनी रचना के अधीन नहीं हो सकता। जैसे शिव बाबा न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आए हैं, तो वो इस ओल्ड वर्ल्ड के वाइब्रेशंस के, इसकी अशांति के, इसके दुखों के अधीन नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही हम भी मास्टर क्रिएटर हैं। हम भी यहाँ की अपवित्रता के वश नहीं हो सकते। तो हम
इन परिस्थितियों को अपने अधीन करेंगे और आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, आई कैन चार्ज द एटमोस्फेयर, आई कैन चेंज द नेचर, आई कैन सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इस नशे में मैं मास्टर क्रिएटर हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ग्लोब के ऊपर खड़े होकर पूर्वज बनकर संसार को सकाश देते रहेंगे हर घंटे में एक बार। ओम शांति।